हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स अगेन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली अभी जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए गए हैं 2022 में, एंड इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो भी है स्टेट्स के, उसे आज हम याद करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स को हम ट्रिक्स से याद करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है माटी पूजा, हरेली फेस्टिवल, मदाई फेस्टिवल, चरता फेस्टिवल, नवखना फेस्टिवल एंड बस्तर दशहरा। ओके, अब सबसे पहला है यहाँ पे माटी पूजा। और माटी पूजा, यह पूजा छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्यौहार है और यहाँ के किसानों के द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, कैसे हमें याद रखना है, यहाँ क्या लिखा है ना, छत्तीस और घर। तो जब घर की छत पड़ती है तो उस घर की छत में ना माटी का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो माटी पूजा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, छत्तीसगढ़ का, और ये यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। ओके, अब नेक्स्ट है हरेली फेस्टिवल, और ये भी सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में। कैसे याद रखना है, हरेली लिखा है ना, तो हरेली यानी कि हवेली। ओके, तो कुछ लोगों के जो घर होते हैं ना, उनके घर की छत इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि वो बिल्कुल हवेली जैसा लगता है। घर कैसा, हवेली जैसा, तो हवेली हरेली। ओके, सो हरेली फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है मदाई, और मदाई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ओके, अब क्या लिखा है ना, मदाई, तो जब किसी के घर की छत डलती है तो मिठाई बढ़ती है, तो मिठाई मदाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है चरता, और चरता भी मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चरता लिखा है ना, तो बस कैसे याद रखना है, च और च दोनों एक जैसा लग रहा है ना, तो चरता चत, चरता चत, छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है नवखना, नवखना फेस्टिवल, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में। अब नवखना लिखा है, तो नवखना, तो जब घर की छत डलती है ना, तो शाम को नया नया खाना बनता है, नवा नवा खाना, तो नवखना। ठीक है, नेक्स्ट है बस्तर दशहरा, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में। अब बस्तर लिखा है यहाँ पर, तो बस्तर, तो बस में तार रखा है दस, तो बस में तार रखा है दस, किस लिए भाई, तो क्यों रखा है, घर की जब छत डलेगी तो उसमें यूज़ होगा तार, जैसे सरिया रहता है, तो उसी तरीके से ध्यान रखना है, बस में रखा है तार दस, जो घर की छत डलने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा, और हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, और रिसेंटली अभी इसे सेलिब्रेट भी किया गया है 2022 में, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, या फिर सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। ओके, और इसे सेलिब्रेट किया गया है फरीदाबाद में, और ये 35th नंबर का है, और इसका थीम स्टेट क्या था इस बार, जम्मू एंड कश्मीर था। कैसे हमें याद रखना है, सूरज कुंड लिखा है ना, तो कुंड में सूरज को देख के हस्त से फरियाद करते हैं, है ना, तो सूरज के हाथ जोड़ते हैं, उनसे फरियाद करते हैं, तो फरीदाबाद के हरियाणा में इसको सेलिब्रेट किया गया है। राइट, नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा पूजा, ढोल उत्सव, मतुआ धर्मा, ओके, मातुआ धर्म महामेला, और पोइला बोईशाक। अब वेस्ट बंगाल में मेनली बंगाली लोग रहते हैं ना, तो कैसे बोलते हैं, पोइला बोईशाक। ठीक है, सबसे पहले है दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे। तो दुर्गा पूजा के टाइम ना बहुत ज़्यादा ढोल वगैरह बजता है, तो ढोल बज गया, तो यानी कि ढोल उत्सव भी वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है मातुआ धर्म महामेला। ओके, सो जो वेस्ट बंगाली लोग होते हैं ना, तो उनका धर्म क्या रहता है कि वो माता जी की पूजा करते हैं ना दुर्गा पूजा में, तो मातुआ धर्म, ठीक है, अपना धर्म निभाते हैं माता जी की पूजा करके, तो मातुआ, यानी कि ये भी कहाँ का हो जाएगा फिर, वेस्ट बंगाल का, जो सेलिब्रेट किया जाता है ठाकुर बाड़ी वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है पोइला वैशाख, और ये न्यू साल का त्यौहार होता है वेस्ट बंगाल का, पोइला, ठीक है, तो पोइला से क्या समझ में आ रहा है, पोई पोई यानी कि पाई। ओके, पाइला, पाई मतलब क्या होता है, पैसा होता है ना, तो पैसा ला भाई, क्यों, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है बिल्कुल बेस्ट तरीके से, तो बेस्ट वेस्ट बंगाल हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में दो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022, दूसरा है पाई दिथिल्ली सिरी मानु त्यौहार। ओके, अब राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव लिखा है ना, तो कैसे ध्यान रखना है कि राष्ट्र की संस्कृति से उसी इंसान को प्यार होगा जो अंदर से अपनी संस्कृति को अच्छे से फील करे, है ना, जो राष्ट्र की संस्कृति का सम्मान करे बिल्कुल अंदर से, वही इस महोत्सव को सेलिब्रेट करेगा। तो बस अंदर से, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली, आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है पाई थी दिल्ली सिरी मानु त्यौहार। अब कैसे ध्यान रखना है ना, पाई डी थिल्ली, तो कैसे समझ में आ रहा है, पाई यानी कि भाई, और डी थाली, तो भाई,
भाई के लिए थाली लेके आओ खाने की। तो खाने की थाली कहाँ से लाएंगे? अंदर से। तो अंदर से यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेट है पंजाब, और पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है वैसाखी त्यौहार, लोहड़ी त्यौहार, जोर मेला, तियाम दा मेला, गुरु पर्व, खेड़ा मेला और रोज़ फेस्टिवल। सो फर्स्ट फेस्टिवल है वैसाखी त्यौहार। वैसाखी त्यौहार को वैसाखी को पंजाब में चैत्र या अप्रैल माह के नव वर्ष के रूप में इसे मनाते हैं। ठीक है, सो न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है वैसाखी त्यौहार को। कैसे याद रखना है? जॉब लिखा है ना यहाँ पे, तो जॉब पंजाब यानी कि जॉब, तो जॉब ना किसी की किसी भी ब्रांच में लग सकती है, किसी भी शाखा में लग सकती है, तो शाखा यानी कि वैसाखी। ओके, नेक्स्ट है लोहड़ी, और लोहड़ी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है। नेक्स्ट है जोर मेला। ठीक है, तो जो पंजाबी लोग होते हैं ना, जोर जोर से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना, तो लोहड़ी जोर जोर से सेलिब्रेट करते हैं, तो जोर मेला भी हो जाएगा कहाँ का? पंजाब का। नेक्स्ट है तियाम दा मेला। ठीक है, तो पंजाबी लोग ना जब भी कुछ बोलते हैं किसी चीज़ का नाम, तो उसमें दा जरूर जोड़ते हैं, तो हमें इसे कैसे ध्यान रखना है? पंजाब दा छोला बोलते हैं ना, पंजाब दा रोटी, तो दा रोटी ऐसी तियाम दा मेला कहाँ का हो जाएगा? फिर पंजाब का। ओके, नेक्स्ट है गुरु पर्व। अब गुरु पर्व तो गुरु से भी याद रखना है आपको, गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव, जितने भी गुरु नाम के संत थे वो पंजाब में ही थे, तो पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट है खेड़ मेला। खेड़ मेला, ठीक है, तो इसे कैसे ध्यान रखना है? खेड़ यानी कि खेड़ा, खड़ा। ठीक है, तो खेड़ खड़ा। ओके, तो क्यों खड़े हो भाई? पान खाने के लिए खड़े हैं, तो पान पंजाब हो जाएगा। ठीक है, और रिसेंटली इसको मनाया जाएगा 29 अगस्त में, इसको आयोजित किया जाएगा अभी, राइट। नेक्स्ट है रोज़ फेस्टिवल, और रोज़ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है पंजाब के चंडीगढ़ में। अब रोज़ लिखा है ना यहाँ पे, तो कैसे ध्यान रखना है? कोई रोज़ रोज़ चांदी के बर्तन में खा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, पंजाब यानी कि पान है ना, तो पान में आजकल डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स डालने लगे हैं, तो किसका फ्लेवर डाला जा रहा है? रोज़ का। तो रोज़ फेस्टिवल भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया? पंजाब के चंडीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान, जयपुर। तो राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो है पुष्कर मेला, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जयपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 सेलिब्रेट किया गया है, बूंदी उत्सव। पहला है पुष्कर मेला, ठीक है, जो अजमेर में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमल कैटल फेयर है जो पुष्कर राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंट पशु मेला है, तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला कहाँ पे लगता है? पुष्कर में लगता है। ठीक है, राजस्थान के पुष्कर में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, इसे भी सेलिब्रेट किया जाता है जयपुर में। तो सरस लिखा है ना, तो सरस यानी कि सारिस्का, और सारिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। तो बस सारिस्का सरस, तो ये भी कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022। अब ऊंट से ही समझ में आ रहा है राजस्थान का ही होगा। ठीक है, तो राजस्थान हो जाएगा। बूंदी उत्सव, तो बूंदी कहाँ पे है? राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो बूंदी उत्सव भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान में। या फिर इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि बूंदी है ना, तो बूंदी पड़ता है ना नमकीन में, तो बीकानेरी नमकीन, तो बीकानेर कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, एंड जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है अहरवल महोत्सव 2022, इसमें सेलिब्रेट किया गया है इसे रिसेंटली। एप्पल महोत्सव, हेरात त्यौहार, गुरेज पर्व, नवरेह महोत्सव, कंचोत त्यौहार, लेवेंडर फेस्टिवल जो पहली बार मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो लेवेंडर जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है, तो आपने धूप बत्ती वगैरह के पैकेट पे देखा होगा लेवेंडर फ्लेवर, रोज़ फ्लेवर है ना, तो वही वाला ये लेवेंडर फ्लावर है। ठीक है, पहला है यहाँ पे अहरवल महोत्सव, कैसे ध्यान रखना है? अहरवल लिखा है ना, तो अहरवल यानी कि हर पल, तो ना कुछ लोग हर पल बस यही कहते रहते हैं काश मैं जम्मू जा पाऊँ, तो काश जम्मू, तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा अहरवल महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट है एप्पल महोत्सव, और एप्पल सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ही प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इंडिया में, तो एप्पल महोत्सव भी कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है हेरात त्यौहार, और ये भी सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है गुरेज पर। अब गुरेज पर तो रेज लिखा है ना यहाँ पे, गुरेज, रेज यानी कि रजाई। ओके, तो जब बहुत ज़्यादा जम के ठंडी लगती है तो रजाई हम ओढ़ते हैं, तो गुरेज रज रजाई, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नवरेह महोत्सव, और ये न्यू ईयर त्यौहार है जम्मू एंड कश्मीर का। ओके, सो न्यू ईयर, सो न्यू त्यौहार जम्मू कश्मीर का सबसे प्रमुख उत्सव है जो यहाँ पर नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो न्यू ईयर की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। नवरेह महोत्सव लिखा है, ठीक है, कैसे याद रखना है? नवरेह यानी कि नया नया रास्ता, नव राह। ओके, तो जब नव राह बनता है ना, कोई नया नया रोड बनता है,
तो सब ना वहाँ पर पहुँच जाते हैं उसको देखने के लिए और जाम लगा देते हैं, ट्रैफिक लगा देते हैं, तो जाम जम्मू। ठीक है, नेक्स्ट है कंछोत त्यौहार। कंछोत तो ये भी सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है लेवेंडर फेस्टिवल, और ये भी सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो लेवेंडर तो लव इन द एयर, तो लव इन द एयर कहाँ पे है, कश्मीर में, है ना। तो कश्मीर बहुत सुंदर है, कश्मीर को देख के सब लोग प्यार करते हैं, लव आता है, तो बस कैसे ध्यान रखना है, लव इन द एयर कहाँ पे है, कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट है दिल्ली, और दिल्ली में सेलिब्रेट किए गए हैं रिसेंटली ये फेस्टिवल्स। साहित्य उत्सव फेस्टिवल आदि महोत्सव दिल्ली में मनाया गया है। पुतुल उत्सव, बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल, भारत ड्रोन महोत्सव 2022, ज्योतिर्गमया फेस्टिवल 2022। पहला है साहित्य उत्सव फेस्टिवल, ठीक है, कैसे याद रखना है, दिल्ली लिखा है ना, तो दिल्ली में क्या होते थे, दिल्ली सल्तनत कहा जाता था, है ना। तो दिल्ली के जो सल्तनत होते थे, तो सल्तनत बहुत शाही होते थे ना, अपने आप को शाही समझते थे, तो शाही, तो साहित्य उत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट है आदि महोत्सव, दिल्ली में मनाया गया है, तो आदि लिखा है ना, तो आदि अदरक को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो अगर आपके लिए चाय बन रही है तो आप क्या कहोगे, भाई आदि ना अच्छे से डाल दियो, तो अच्छे से डाल डाल यानी कि दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पुतुल उत्सव। अब ये पुतुल उत्सव ना रिलेटेड है किससे, कठपुतली से, पपेट से। सो ये देश के जो 5 बड़े शहर हैं ना वहाँ पर मनाया गया है, हैदराबाद में, वाराणसी में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में और दिल्ली में, ठीक है। सो इन 5 स्टेट्स में इसका आयोजन किया गया है पुतुल उत्सव का, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल। सो बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2022 का, ठीक है, अनावरण किया गया था अभी रिसेंटली दिल्ली में ही। अब बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल लिखा है ना, तो लोग दूर दूर से दिल्ली में शॉपिंग करने आते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें चीप रेट पे आपको मिल जाती है, तो बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल भी दिल्ली का हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ड्रोन महोत्सव 2022, इसे सेलिब्रेट किया गया है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। अब भारत ड्रोन लिखा है ना, कैसे आपको याद रखना है, भारत यानी कि भरा हुआ, ठीक है, तो भारत यानी कि भरा, और ड्रो रो यानी कि रो, है ना। तो कोई इंसान ना तब रोता है जब उसका दिल पूरा भर जाता है ना, कोई उसकी बार बार बेइज्जती कर रहा है, बार बार डांट लगा रहा है, तो कोई इंसान तब रोता है जब उसका दिल दिल्ली पूरा भरा होता है, ठीक है, दिल भर गया इसलिए रो रहे हैं, ठीक है। तो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 सेलिब्रेट किया गया है दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है ज्योतिर्गमया फेस्टिवल 2022, और इसको भी सेलिब्रेट किया गया है दिल्ली में। तो ज्योतिर्गमया, तो बस कैसे ध्यान रखना है, ज्योति गम्य है, क्यों, क्योंकि वो दिल्ली नहीं जा पाई। ओके, तो ऐसे इसको भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। सो यहाँ पे आप पुतुल उत्सव का देख सकते हैं, आज़ादी के रंग पुतुल के संग। ओके, नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है तिहरी झील उत्सव। ओके, जौल जीबी मेला, मरु उत्सव, गंगा दशहरा, देवी धुरा फेयर। सबसे पहला है तिहरी झील महोत्सव, तो तिहरी बांध कहाँ पे, उत्तराखंड में है, तो तिहरी झील भी कहाँ पे हो जाएगा, तिहरी झील उत्सव उत्तराखंड में। नेक्स्ट है जौल जीबी मेला, तो जौल जीबी तो क्या लिखा है ना, जौल जीबी तो जेल जाओगे, कब, जब कोई कांड कर दोगे ना तो जेल जाना पड़ेगा, तो जौल जीबी जेल जाओगे कांड करने पे, ठीक है, तो उत्तराखंड हो जाएगा, ऐसे ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है मरु महोत्सव, तो कोई कांड अगर आपने कर दिया ना, तो बस आपकी तो फिर मरी स्टार्ट हो गई, उस दिन से आपको मरी तो जेल में बहुत मार पड़ेगी, तो मरु उत्सव भी कहाँ सेलिब्रेट किया गया, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है गंगा दशहरा, और गंगा दशहरा भी सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में। गंगा लिखा है ना, तो गंगा हरिद्वार में गंगा बहती है, तो हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में ही है, तो गंगा दशहरा भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है देवी धुरा फेयर, ठीक है, तो देवी धुरा, तो देवी वगैरह सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, देवी के स्थल और मंदिर वगैरह उत्तराखंड में ही हैं, ठीक है, तो देवी धुरा फेयर भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट है लखनऊ यूपी, सो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाते हैं गुड़ महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव, लठमार होली मथुरा में, कुंभ और अर्धकुंभ, रामलीला, रामनवमी मेला, श्रावण झूला मेला, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी और कचरी, ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स लखनऊ में मनाए जाते हैं। अब गुड़ लिखा है ना, तो कैसे याद रखना है, लखनऊ यूपी में जब कोई किसी के घर आता है ना, तो उसे गुड़ पानी भी दे देते हैं बिस्किट की जगह, तो गुड़ महोत्सव लखनऊ यूपी में। नेक्स्ट है काला नमक चावल महोत्सव, तो काला नमक ना गोरखपुर में एक वैरायटी है चावल की, तो इसलिए ये महोत्सव भी मनाया जाता है लखनऊ यूपी में, ठीक है, तो कैसे याद रखना है ना, लखनऊ लक है ना, तो किसी को ना नज़र ना लगे किसी के लक को, तो उसको काला टीका लगा दिया, तो काला से याद रखना है आपको, काला नमक चावल महोत्सव भी लखनऊ में मनाया गया, ठीक है।
तो अब आप इसे ना ऐसे भी लेट कर सकते हो, यहाँ कजरी लिखा है ना, तो कजरी यानी कि काजल, तो काजल लगा दिया ताकि उसके लक को कोई नज़र ना लगा पाए, तो लक लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लटमार होली सेलिब्रेट किया जाता है मथुरा में, ये आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है कुंभ और अर्धकुंभ भी सेलिब्रेट होता है लखनऊ के प्रयागराज में, है ना, यूपी के प्रयागराज में, सॉरी। रामलीला, रामनवमी ये भी यूपी में मनाया जाता है, श्रावण झूला मेला भी, बुद्ध पूर्णिमा भी, रामनवमी भी यूपी का फेमस फेस्टिवल है, और कजरी तो अभी हमने देख ही लिया। ओके, नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा में सेलिब्रेट किए जाते हैं ये फेस्टिवल्स, राजा पर्वा त्यौहार, जगन्नाथपुरी, नुआखाई उत्सव, 12th बोईटा बंदना, राज रज महोत्सव, चाऊ उत्सव, कलिंग महोत्सव, शीतल षष्ठी महोत्सव। ठीक है, कैसे हमें ध्यान रखना है, उड़ीसा लिखा है ना, तो उड़ीसा यानी कि डिश, तो हमें पूरे उड़ीसा के जो फेस्टिवल्स हैं डिश से रिलेट करना है, डिश। ठीक है, सो राजा के लिए जब डिश बनती है ना तो बहुत परवाह की जाती है, तो राजा की परवाह की जाती है कि उसके लिए अच्छा डिश बने, तो राजा परवा त्यौहार उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी की जो यात्रा है ना वो बहुत फेमस फेस्टिवल है उड़ीसा का, तो पूरी रथ यात्रा एक विशाल रथ उत्सव है, और इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना करते हैं। ओके, तो याद रखना है आपको, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत फेमस फेस्टिवल है, पता भी होगा आप लोग को। नेक्स्ट ये नुआखाई उत्सव, और नुआखाई उत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में, कैसे याद रखना है, नुआखाई, तो नुआखाई बुआ खाई, तो बुआ आ रही है खाने पे, तो डिश तो बनाना पड़ेगा बढ़िया बढ़िया, तो बुआ आई यानी कि नुआखाई डिश। ठीक है, नेक्स्ट है 12th बोईता बंदना महोत्सव, ये भी सेलिब्रेट किया गया है उड़ीसा में, सेलिब्रेट किया जाता है, तो बोईटा बंदना लिखा है ना, तो कैसे ध्यान रखना है कि अगर आपको भाई डिश खानी है, खाना खाना है, तो बोना तो पड़ेगा ही, है ना, तो किसान डिश वगैरह खाना वगैरह कैसे बनाते हैं, जब तक वो बोएंगे नहीं तो कैसे मिलेगा, तो डिश बनाने के लिए बोना पड़ेगा ना, तो बोना यानी कि बोईटा बंदना, तो बोना पड़ेगा दाना, है ना, तो तभी आपको खाने का दाना मिलेगा जब आप बोओगे, तो बोईटा बंदना महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट है छाऊ महोत्सव, और इसे सेलिब्रेट किया जाता है ये भी उड़ीसा में, अब छाऊ लिखा ना, तो छाऊ चाऊ और चाऊ यानी कि चाउमीन, तो ये भी क्या है, एक डिश है। नेक्स्ट है कलिंग, कलिंग फेमस है उड़ीसा के लिए, तो उड़ीसा में है कलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है शीतल षष्ठी, तो शीतल जल, जिस शीतल जल फिर पिलाया जाता है आफ्टर डिश, तो डिश के बाद शीतल जल, तो शीतल षष्ठी कार्निवाल भी उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है जल्लीकट्टू त्यौहार, पोंगल, आदिपुरम त्यौहार, थीपुसम त्यौहार, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, जल्लीकट्टू और तमिलनाडु, कैसे हमें ध्यान रखना है, तमिल यानी कि मिल। ओके, तो किसी की अगर बहुत बड़े चीनी मिल या किसी मिल में जॉब लग गई, तो भाई आसपास के लोगों की ना जल कट जाएगी, तो जल कट जल्लीकट्टू। ठीक है, और इस फेस्टिवल में होता है क्या, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना बुल है, तो इस बुल को ना छोड़ दिया जाता है, और फिर ये फेस्टिवल होता है कि इस बुल को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो जो टीम कंट्रोल कर लेती है वो विनर हो जाती है। नेक्स्ट है पोंगल, अब पोंगल त्यौहार, किसान अपनी शीत ऋतु की फसल काटने के बाद गुड़ और चावल का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को प्रसाद अर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये पोंगल फेस्टिवल है फेमस तमिलनाडु का। ओके, तो बस कैसे ध्यान रखना है, तमिल मिल, तो जब आप किसी से मिलने जाते हो ना, तो बहुत सारी गल करते हो, बातें करते हो, तो गल पोंगल। नेक्स्ट है आदिपुरम त्यौहार, और कैसे ध्यान रखना है इसको, आदिपुरम यानी कि आधी पूरी। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो ना, आधी पूरी दे दो, आधी पूरी दे दो, है ना, तो आपका भाई क्या कह रहे हैं, ना दू, मैं क्यों दू तेरे को आधी पूरी, तो आधी पूरी दे दो, ना दू, नहीं दूंगा, ना दू। सो आदिपुरम त्यौहार भी तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थीपुसम त्यौहार, और ये भी सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, और ये भी सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट स्टेट है केरला, और केरला में सेलिब्रेट किया जाता है ओणम त्यौहार, कालियाट्टम जिसे थेच्चम फेस्टिवल भी कहते हैं, कालीपतिस्त महोत्सव, लोक कला उत्सव, अट्टुकलु पोंगल, और अदर फेस्टिवल है विशु पर्व, त्रिशूर पूरम और केरल बोट। ठीक है, सबसे पहला है ओणम त्यौहार, तो ये केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है, और साथ ही यह केरल का एक राजकीय त्यौहार भी है। ठीक है, ओणम लिखा है ना, ओणम और केरला, तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, केरल रेल,
केरल रेल, ओके। तो कभी कभी रेल ना ऐसे चलती है बिल्कुल उड़ उड़ के, तो रेल कभी कभी ऐसे चलती है इतनी फास्ट कि लगता है ना उड़ जाएगी, है ना, आप लोग ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो ओणम त्यौहार। नेक्स्ट है कालियाट्टम, ठीक है। अब कालियाट्टम यानी कि कली, कैसे ध्यान रखना है कली, और करेला निकलने से पहले कली तो निकलती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा केरला। नेक्स्ट है कल्पतिस्थ महोत्सव, ओके, कैसे याद रखना है इसको, कल्पति, तो कल्पति के साथ मैं रेल में घूमने गई, तो ऐसे इसको भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है लोक कला उत्सव, ओके, सो लोगों को अगर अपनी कला दिखानी है या कोई कला देखनी जानी है लोक कला, तो रेल से जाना पड़ेगा ना, रेल का यूज़ लेना पड़ेगा, दूसरे स्टेट में जाना है तो रेल केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है अटुकल पोंगल, ओके, तो अटुकल, तो कैसे ध्यान रखना है ना, घर में जब करेला बन जाता है और जैसे ही कड़वा और टेस्ट उसका जीभ में जाता है तो जिसको नहीं पसंद तो वो क्या बोलता है, आथू आथू अटू, ठीक है, तो ऐसी बस इसे भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट अदर फेस्टिवल्स में है विशु पर्व, ओके, तो कभी कभी करेला ना इतना ज़्यादा कड़वा लगता है कि विष की तरह लगता है, अब विष का पता नहीं कैसा टेस्ट होता है, खैर अब विष है तो कुछ कड़वा ही लगता होगा, तो केरल में ही इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम, ओके, तो ये भी केरल में, और केरल बोट तो है ही फेमस केरल की, ठीक है। नेक्स्ट है तेलंगाना, और तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है बोनालू पर्व, जो 2022 में अभी सेलिब्रेट हुआ है रिसेंटली। मेदाराम जतारा महोत्सव, कनुमा महोत्सव, बटुकम्ब त्यौहार। पहला है बोनालू, तो बस कैसे ध्यान रखना है, तेल लिखा है ना, तेल में आलू बनता है तो बोनालू, ओके। नेक्स्ट है मेदाराम, तो मैदा की जब कोई चीज़ बनती है तो तेल का यूज़ होता है, तो ये भी तेलंगाना हो जाएगा। कनुमा महोत्सव, तो कनुमा यानी कि कान, कान में कई लोग अपने तेल डाल लेते हैं ना साफ़ करने के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट है बटुकम्ब त्यौहार, ठीक है, ये भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तेलंगाना में, और यह त्यौहार तेलंगाना की महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, और इस त्यौहार को स्त्री के सम्मान के रूप में मनाया जाता है, ओके, याद रखना है आपको। और तेलुगु में बटुकम्बा का मतलब होता है देवी माँ जिंदा है, ठीक है, तो बटुकम्ब, तो बटुकम्ब यानी कि बहुत कम, तो बहुत कम तेल डालो भाई, तो आजकल सब लोग अपने डाइट कॉन्शियस है तो क्या बोलते हैं, बहुत कम तेल डालो, तो बटुकम्ब त्यौहार भी कहाँ का हो जाएगा, तेलंगाना का, राइट। नेक्स्ट स्टेट है मणिपुर, मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है नट संकीर्तन, कचाई लेमन फेस्टिवल और योसांग त्यौहार। कैसे याद रखना है, मणि लिखा है ना, तो नट संकीर्तन, तो अगर आपको नट देखना है, संगीत देखना है, तो उसके लिए टिकट लगेगा, टिकट के लिए मणि चाहिए, तो मणिपुर। नेक्स्ट है कचाई लेमन फेस्टिवल, तो कच्चा लेमन खरीदना है तो मणि लगेगा, तो ये भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर में। योसांग त्यौहार, तो योसांग है ना, तो योयो यानी कि हनी सिंह के सॉन्ग सुनना है, योयो के सॉन्ग सुनना है, तो उसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन के लिए मणि, तो मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी पर्व, गणेश चतुर्थी, पोला महोत्सव, नराली पूर्णिमा और फोर्टिथ हुनर हाट महोत्सव भी सेलिब्रेट किया गया है अभी मुंबई में। सबसे पहला है काला घोड़ा महोत्सव, तो महाराष्ट्र लिखा है, तो राष्ट्र यानी कि रास्ते से हमें रिलेट करके याद रखने हैं, तो काला घोड़ा दिख गया रास्ते में, ठीक है, तो महाराष्ट्र। गुड़ी पर्व, तो गुड़ी यानी कि गुड़िया, गुड़िया मिलती है ना रास्ते में भी, रास्ते में लोग बेचने वाले गुड़िया बेचते हैं, ओके, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो गुड़ी पर्व को महाराष्ट्र में नए साल के रूप में मनाया जाता है, चैत्र माह अप्रैल माह के प्रथम दिन इसको मनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी, फेमस फेस्टिवल है मुंबई का। पोला महोत्सव, तो पोल जगह जगह रास्ते में लगे होते हैं लाइट के पोल, तो रास्ता महाराष्ट्र। नराली, तो नारियल पानी भी ठेले पे बेचते हैं ना दुकानदार रास्ते पे, तो रास्ता महाराष्ट्र, ओके। हुनर हाट महोत्सव, तो हुनर हाट, तो लोग अपना हुनर दिखाते हैं ना, हुनर दिखाते हैं अपना पूरी तरीके से, कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में, तो मुंबई महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट किया गया है, ओके। नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022, लोक रंग महोत्सव, मांडू महोत्सव, भगोरिया हाट फेस्टिवल। अब खजुराहो लिखा है ना यहाँ पे, तो खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ही है, ओके, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। लोक रंग लिखा है, ओके, तो यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान मंच लोक नृत्य संगीत और जातीय नीतियों का कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। लोक रंग लिखा है ना, तो लोक रंग, तो जो लोग हैं ना
ओके तो कैसे याद रखना है ना कि लोगों के अगर आपको रंग देखना है कि रियल में वो कैसा है तो आपको अपने पास उसको रखना पड़ेगा कई दिन तक, है ना। तो उसको अपने पास सेंटर में मध्य में रखना पड़ेगा तभी आप उसका रंग देख पाओगे। तो लोगों के रंग देखने के लिए आपको उसके अपने पास रखना पड़ेगा मध्य में, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मांडू महोत्सव, तो मांड मैड एक जैसा है ना, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है भगोरिया हार्ट फेस्टिवल, भगोरिया जैसे इंसान मैड इंसान को कोई देख लेगा ना, आप रोल वगैरह पे देख लेते हो कोई पागलों की तरह हटकत कर रहा है मैड की तरह, तो तुरंत वहाँ से भाग जाते हो, तो भगोरिया हार्ट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश में, राइट। नेक्स्ट स्टेट है पुडुचेरी, और पुडुचेरी में सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 सेलिब्रेट किया गया है। तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, पुद्दू मतलब छोटा होता है ना, तो आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो भी बिल्कुल युवा की तरह बिहेव करते हैं, है ना, युवा की तरह अपने आप को बलशाली समझते हैं, युवा की तरह बिहेव करते हैं। तो बस राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पे, पुडुचेरी से, तो इस तरीके से आपको इसको भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है लद्दाख, और लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है आइस क्लाइंबिंग महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव, स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल, लोसार महोत्सव, हैमिस फेस्टिवल, दोस मोचे, माथो नागरंग, फियांग और थिक्से। ओके तो पहला है आइस क्लाइंबिंग महोत्सव, तो सबसे ज़्यादा आइस तो लद्दाख में ही है क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट पे है, तो आइस क्लाइंबिंग कहाँ मनाया गया, लद्दाख में। नेक्स्ट है सिंधु दर्शन महोत्सव, तो सिंधु नदी निकलती है लद्दाख के पास से, ओके तो लेह लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल, और ये भी सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट है लोसर महोत्सव, ओके और इसे सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर में, यह तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है। अब किसकी बात हो रही है, लोसर, तो कैसे ध्यान रखना है, लोसर तो क्या कह रहे हो ना, लोसर लाख रुपए ले लो और मेरा काम कर दो, तो लोसर लाख लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल, और हेमिस नेशनल पार्क भी कहाँ है, अब लद्दाख में ही है, तो फेस्टिवल भी यहीं सेलिब्रेट होगा, ओके। नेक्स्ट है दस मोचे, तो लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है ना, तो यहाँ पे जाओगे तो दस मोजे तो लेके ही जाना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है माथो नागरंग, अब माथो नागरंग तो क्या बोलोगे ना, माथो यानी कि सर, तो कहते हैं ना यार देख मेरे सर पे मत चढ़, तो मेरे सर पे मत लद, तो ऐसी मेरे माथे पे मत लद, तो माथो नागरंग लद्दाख। नेक्स्ट है फियांग और थिकसे, ठीक है, तो फियांग कैसे याद रखना है, फियांग यंग, ओके। सो अब जो भी जो यंग लोग हैं ना उनको बड़ा मन करता है लेह लद्दाख जाने का, है ना, तो उनसे क्या कहा जाता है, देखो यंग लोग ठीक से जाना, दोनों कहाँ के हो जाएंगे, लद्दाख के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है असम गुवाहाटी, और असम गुवाहाटी में सेलिब्रेट किया गया है नोवर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022, भोगाली बिहू या माघ बिहू, रंगाली बिहू या बेहाग बिहू, काती बिहू या कांगली बिहू, शिल्पग्राम महोत्सव, चाय महोत्सव, माघ बिंदु महोत्सव, वांचुवा महोत्सव और बैखावो फेस्टिवल 2022, ठीक है। सबसे पहला है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, तो नॉर्थ ईस्ट का है तो असम में मनाया गया है। नेक्स्ट है ना बिहू, तो बिहू को असम में तीन बार सेलिब्रेट किया जाता है, पहला है भोगाली बिहू के रूप में, रंगाली बिहू और काती बिहू। तो बिहू है ना, तो बिहू से आपको ध्यान रख लेना है ना, तो बिहू यानी कि बहू, और बहू को लाए शाम को, है ना, तो जब शादी वादी हो जाती है तो बहू को शाम को फिर ले आते हैं, तो बहू को ले आए शाम को, तो असम, तो बिहू से रिलेटेड जितने भी फेस्टिवल्स हैं ना ये तीनों सारे ही असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शिल्पग्राम महोत्सव, तो ग्राम गरम, ओके तो कोई चीज़ ना जब गरम होती है तो कई लोग उसको आसानी से खा या पी लेते हैं, तो आसान असम। चाय महोत्सव सेम यही कहानी चाय की भी है, तो कई लोग गरम गरम चाय को भी आसानी से पी लेते हैं, तो आसान। नेक्स्ट है माघ बिंदु महोत्सव, अब जिस तरीके से माघ बिहू था ना उसी तरीके से ये माघ बिंदु महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है असम में, तो बस बिहू की जगह बिंदु है तो ये भी असम में ही है। नेक्स्ट है वांचुवा महोत्सव, ओके अब वांचुवा लिखा है ना, तो वांचुवा यानी कि वॉन, ओके सो वॉन करने पे ना लोग बोलते हैं अरे आसान होगा तभी जीत गया, तो आसान असम। नेक्स्ट है भाईखो फेस्टिवल, तो क्या कह रहे हो ना, भाई खो भाई खाओ, खाओ गुआवा, तो गुआवा गो हाथी, ओके। नेक्स्ट स्टेट है गोवा, गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है शिग्मो उत्सव 2022, सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव और साओ झाओ फेस्टिवल 2022। शिग्मो जो उत्सव है ये उत्सव मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है, गोवा के आदिवासियों के द्वारा धान की अच्छी और सुनहरी फसल के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है।
अब शिग्मो की बात हो रही है तो बस कैसे ध्यान रखना है, गोवा में शिप वगैरह चलते हैं तो शिप शिग्मो, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव। अब फ्रांस में अगर कोई कहे आपको जाना है तो आप तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाते हो, तो जाओ गो सो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है साओ झाओ फेस्टिवल, और ये सेलिब्रेट किया जाते हैं गोवा में ही। अब साओ झाओ लिखा है ना, तो साओ झाओ यानी कि साझो, तो साझो शाम गोवा में पार्टी चलती रहती है अधिकतर, तो साओ झाओ कहाँ का हो जाएगा, गोवा का। ओके, नेक्स्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ सेलिब्रेट किया गया है तोरग्या महोत्सव। तो कैसे ध्यान रखना है, अनुराचल, तो अनु को रोग लग गया तो रोग तो रग गया। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल, ठीक है। अब हिमाचल, तो माँ के आंचल में ना रहना हर कोई पसंद करता है, तो क्या कह रहे हैं ना, उन्हीं में रहने का मजा है, उन्हीं में रहने का मन, तो उन्हीं में उन्मेष है ना, अब माँ तो माचल है ना, तो उन्हीं में रहने का मन है भाई, माँ के आंचल में रहने का मन है उनको, तो उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो ऐसे आप रिलेट करके इसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है मेघालय, और मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है बांग्ला उत्सव, ओके, और इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। नेक्स्ट है मेघालय, और मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है बांग्ला उत्सव, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, वांगला, तो वांग गला, ओके। तो जब बहुत ज़्यादा मेघ बरस जाता है ना, तो कोई भी चीज़ अगर घर के बाहर रखती है तो वो गल जाती है, तो गला वांगला। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, तो जैसे ही मेघ बरसते हैं बिल्कुल जम के, तो चेरी हो गई ब्लॉसम, बिल्कुल उग गई है ना, तो पेड़ वगैरह भी बिल्कुल ब्लॉसम हो जाते हैं, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है मिज़ोरम, और मिज़ोरम में सेलिब्रेट किया जाता है चपचारकूट त्यौहार, और यह मिज़ो जनजाति के लोगों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है, और यह मिज़ोरम का ये मुख्य त्यौहार है। क्या लिखा है, जोरम, तो कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है ना, तो क्या कहते हैं घर वाले, चुप जा नहीं तो कूट दिए जाओगे, चपचारकूट त्यौहार, ठीक है। तो कहाँ सेलिब्रेट किया गया, इसे भी मिज़ोरम में, ओके। नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम, सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया लोसांग, जिसे नामसूंग महोत्सव भी कहा जाता है, और ये लोसांग तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है जिसे यहाँ के लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं, ठीक है। पीछे हमने लद्दाख का पढ़ा था लोसार, बट ये क्या है ना, लोसांग है, तो अगर आपको सॉन्ग सुनना है ना, तो उसके लिए भी सिक्का लगेगा, है ना, तो बस ऐसे याद कर सकते हैं, या ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं ना, कि कोई ना आपसे कह रहा है कि भाई वॉल्यूम लो करके सॉन्ग सुनो, तो वॉल्यूम कम करके सॉन्ग सुनो, तो कम किम सो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पांग लह बलोस त्यौहार, और ये भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, सिक्किम में, ठीक है। तो पांग लह बलोस त्यौहार भी सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कर्नाटका, कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है पारंपरिक भैंसों की रेस कांबला पर्व, उगादी पर्व, हम्पी महोत्सव, करगा, वेरामुड़ी, भीमना अमावस्या। कैसे हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले है ना कांबला पर्व, तो कांबला कामवाली, तो कामवाली ना कभी कभी बहुत नाटक करते हैं ना अपने काम के लिए, तो नाटका कर्नाटका। उगादी पर्व, ठीक है, अब गादी यानी कि गद्दी, और गद्दी किस में होती है, कार वगैरह में होती है, तो कार कर्नाटका। नेक्स्ट है हम्पी महोत्सव, तो क्या कह रहे हैं ना कि देखो यार नाटक करने जा रहे हो स्टेज पे, ड्रामा करने जा रहे हो, एक्शन ड्रामा करने जा रहे हो, हैप्पी रहो, तो हम्पी महोत्सव, ठीक है। नेक्स्ट है करगा, करगा यानी कि कार जैसा ही लग रहा है ना, तो करगा कार कर्नाटका में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है वेरामुड़ी, है ना, तो वेरामुड़ी यानी कि क्या समझ में आ रहा है, वेरा विराम, तो विराम, और मुड़ी यानी कि मुड़ना, तो कार कैसे चलती है, कभी विराम होती है रुकती है, कभी मुड़ती है, तो विराम मुड़ी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कर्नाटका में। नेक्स्ट है भीमना अमावस्या, ओके, तो भीमना यानी कि भीम, अब भीम क्या करते हैं, नाटक करते हैं ना, नाटक ड्रामा, तो क्या हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट स्टेट है झारखंड, झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है सरहुल पर्व, कर्मा, छठ पूजा, जावा फेस्टिवल, तुशु पर्व। सो यहाँ पे क्या लिखा है ना, सरहुल पर्व, कैसे ध्यान रखना है, झार झरना, ओके, झरने से रिलेट करना है, तो आप लोग ना सैर के लिए गए और सैर करते करते आपको झरना दिख गया, फिर उसको देख के खूब हल्ला हुल्ला मचा रहे हो, तो सैर पे गए हल्ला हुल्ला मचाने लगे झरना देख के, तो सरहुल पर्व सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में। नेक्स्ट है कर्मा, है ना,
तो कर्मा फेस्टिवल भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, झारखंड में। तो कर्मा काम है ना, तो काम दे दिया घर वालों ने, चल झाड़ू लगा, मम्मी ने काम दे दिया, चल झाड़ू लगा, तो झाड़ू झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है छठ पूजा। अब ये छठ पूजा ना फेमस फेस्टिवल है बिहार का, बट ये सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में भी, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है जावा फेस्टिवल, और जावा फेस्टिवल भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, झारखंड में। नेक्स्ट है तुशु पर्व, ठीक है। अब तुशु से कैसे ध्यान रखना है ना, तुशु तुशु शु, तो झाड़ियों से ना रात में अजीब सी आवाज़ आती है, है ना, जैसे लगता है कुछ कीड़े मकौड़े उसमें शा 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 आवाज़ कर रहे हैं, सो रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो शु तुशु कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, झारखंड में, और ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है तुशु फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है बाबा गरिया पूजा, खारची फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेट किया गया है, खाकी पूजा, अशोका अष्टमी, केर पूजा आदि। सबसे पहले लिखा है बाबा गरिया पूजा, कैसे ध्यान रखना है ना, बाबा गरिया यानी कि बाबा की गाड़ी, तो बाबा की गाड़ी जब नई नई घर पे आई ना, तो बस पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उसकी पूजा हो रही है ना, तो पूरा त्रिपुरा। नेक्स्ट है खारची फेस्टिवल। ओके, खारची तो ट्रिप पे आप गए भाई, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, पूरा खर्चा हो गया, पूरा जेब खाली, तो खर्चा, ठीक है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट है खाकी, तो खाकी से भी कैसे ध्यान रखना है, खाकी खाली। ओके, तो फिर से ट्रिप पे गए, पूरी जेब खाली हो गई, तो खाली खाकी त्रिपुरा। नेक्स्ट है अशोक अष्टमी, अशोक का पेड़ होता है ना, पेड़ त्री, तो त्रिपुरा। केर पूजा, केले की पूजा, तो केले की पूजा भाई पूरे मन से करो, तो पूरा त्रिपुरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है डांडिया, नवरात्रि, पतंग महोत्सव, भद्र पूर्णिमा, भथुआ मेला। सबसे पहले क्या है डांडिया, और ये डांडिया गुजरात का फेमस फेस्टिवल है ना, तो ये प्रमुख लोक नृत्य है और सबसे प्रमुख त्यौहार भी इसको माना जाता है। डांडिया लिखा है ना, तो गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे इसको। नवरात्रि भी फेमस है गुजरात का, क्योंकि वहाँ पे गुजराती लोग रहते हैं, नवरात्रि मेन वही लोग मनाते हैं, सबसे ज़्यादा गुजरात में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है पतंग, पतंग को रात में नहीं उड़ा सकते, तो गुजरात हो जाएगा। भद्र पूर्णिमा, ठीक है, तो ये भी गुजरात में। भथुआ मेला, तो ये भी कहाँ पे ना मनाया जाता है, गुजरात में। अब भथुआ लिखा है ना, तो भथुआ बद्दुआ, तो कहते हैं ना लोग कि यार उसने बद्दुआ दे दी, तभी वो बेचारा गुजर गया, तो गुजर गया गुजरात हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी ऐसे ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है छठ पूजा, मकर संक्रांति, सोनपुर कैटल फेयर, समा चकेवा, राजगीर महोत्सव, ठीक है। सबसे पहले छठ पूजा फेमस फेस्टिवल है बिहार का। ओके, सो छठ पूजा इज़ द फेमस एंड मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। तो छठ लिखा है ना, तो छठ है ना, तो लोग ना जब कोई कंपटीशन होता है, तो जो लोग पहली हार मान लेते ना, तो ऐसे ही छठ जाते हैं, तो छठ पूजा बिहार। मकर संक्रांति, ये भी फेमस फेस्टिवल है कहाँ का, बिहार का। ओके, तो याद रखना है आपको। अब जो लोग हार मान लेते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अगर मगर वाले बहाने बनाते हैं, अरे ऐसा हो गया, मगर ऐसा हो गया, तो अगर मगर संक्रांति बिहार। ओके, और मकर संक्रांति जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है बिहार का। नेक्स्ट है सोनपुर कैटल फेयर, जो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये भी बिहार में, और ये लार्जेस्ट कैटल फेयर है एशिया का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोनपुर कैटल फेयर, ठीक है, तो सोने का हार, तो बिहार। नेक्स्ट है राजगीर महोत्सव, ठीक है, और ये भी कहाँ का है, बिहार का, ठीक है। तो राजा ना कैसे याद रखना है, जो राजा थे ना, कभी कभी हार जाते थे, तो राजा गिर गिर के फिर माफ़ी मांगते थे, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, तो गिर गिर के माफ़ी हारने पर, तो राजगीर महोत्सव, ऐसे हमें इसको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है नागालैंड, और नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, और ये नागालैंड का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव होता है। अब हॉर्न बिल लिखा है ना, तो बिल कौन बनाता है ना, नाग बनाते हैं, तो नागलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर का अभी हमने पीछे भी फेस्टिवल पढ़ा था, और शिरू लीली फेस्टिवल रह गया था, तो शिरू लीली फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। ओके, तो शिरू लीली, तो लीली का फूल भी अगर आप खरीदोगे ना, तो मनी तो भाई लगने ही वाला है, तो ये भी कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का। और 18 का चाई लेमन फेस्टिवल 2022, ये हमने पीछे पढ़ा था, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट है आम महोत्सव। ओके, सो बहरीन में इसको मनाया गया है भारतीय आमों के निर्यात के लिए, ठीक है, तो आम के बहाने ना फेस्टिवल बनाया गया। तो बस कैसे ध्यान रखना है,
आम खाने को मिल जाए इसके बहाने फेस्टिवल बनाया गया, तो बहाने बहरे, ठीक है। नेक्स्ट फेस्टिवल है इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल 2022, ये सेलिब्रेट किया गया है दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में। अब इंटरनेशनली फोक आर्ट है ना, तो इंटरनेशनली अरेंजमेंट करने के लिए फोक आर्ट का बहुत ज़्यादा अरब अमीर पैसों की ज़रूरत है ना, तो वही कर पाएगा जो अमीर हो, तो अमीरात यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाए। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो सबसे पहला है कि हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में सेलिब्रेट किया जाता है कुंभ मेला। सो कुंभ मेला 12 साल में हर 3 साल के अंतराल पर इन चारों स्थानों पर आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। तो ये इंपॉर्टेंट सब बेसिक सब क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि चार जगह ये कुंभ मेला होता है, तो हरि का नाम लो और उच्च राजा बनो। तो एक लाइन बस आपको याद रखनी है, हरि का, ठीक है, हरि का नाम लो और उच्च राजा बनो, ठीक है, और उच्च राजा बनो। तो हरि का नाम लो, उच्च राजा बनो, तो हरि हरिद्वार, ठीक है, नाम न नासिक, उच्च उज्जैन, राज यानी कि प्रयागराज, ठीक है। तो हरि का नाम लो और उच्च राजा बनो, तो इस तरीके से लेट करके हमें ध्यान रखना है। ये लाइन बस आपको ध्यान रखनी है कि इन चार स्थान पर सेलिब्रेट होता है कुंभ मेला। नेक्स्ट है नवरोज फेस्टिवल, और ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय पारसी, ओके। तो कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ क्या लिखा है, नवरोज, तो नवरोज यानी कि नाव जो है ना वो रोज रोज रस्सी से बंधी होती है ताकि बह ना जाए, तो नवरोज रोज नाव रस्सी से, रस्सी पारसी, ओके। सो जितने भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स रिसेंटली अभी सेलिब्रेट किए गए हैं या इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो हैं स्टेट्स के, उसे आज हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। एंड आई होप आप लोग को याद भी और समझ भी आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। PDF के लिए आप इसके लिए लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।